देवी अहिल्या की योजना का पहला चरण सफल। बड़ी कोशिश की गुनू जी और द्वारिका ने, मगर भाप नहीं पाए उनकी योजना को। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। देवी अहिल्या ने अपनी योजना को पूरी तरह से शुरू कर दिया है और योजना जैसे जैसे आगे बढ़ रही है सफलता भी मिलती जा रही है, क्योंकि इस बार देवी अहिल्या पूरी तरह से सतर्क है। गुनु जी द्वारिका को शक तो पड़ गया है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है और गुनु जी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गए भी हैं कि मैं पता लगाता हूं, मगर उनको तो असफलता मिली है। चलिए इस सफलता असफलता के इस खेल में हम चर्चा करते हैं और आपसे बात करते हैं इस बारे में। तो वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। देवी अहिल्या को सफलता क्यों मिलती है ये हम सब जानते हैं, क्योंकि देवी अहिल्या हमेशा सच के रास्ते पे चलती हैं और सच के रास्ते पे चलने का मतलब ये है कि दूसरों की भलाई, जनता की भलाई। और जैसे उन्होंने आज मुक्ता से कहा कि कभी कभी सच के रास्ते पे चलते चलते झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वो झूठ उस समय सच जैसा ही काम करता है। आज की कड़ी काफी दिलचस्प थी दोस्तों, इसलिए भी थी दिलचस्प क्योंकि राजगुरु, जिन्होंने एक बार देवी अहिल्या के खिलाफ खड़े होकर उनको ही कहा था कि आप गलत हो छोटी रानी, मगर जब देवी अहिल्या के तर्क सुने, उनकी बातों से सहमत हुए, तो वही राजगुरु आज उसी चीज का प्रायश्चित करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यह सीन, क्योंकि देवी अहिल्या कोई भी काम बिना राजगुरु की परमिशन से नहीं कर रही है। इतना बड़ा जो काम है जो मुक्ता को देने वाली है, उसके लिए भी उन्होंने राजगुरु की परमिशन ली और राजगुरु पूरी तरह से समर्पित है इस योजना में देवी अहिल्या के साथ। पहले ऐसा होता था कि जब योजनाएं बनती थी दरवाजे खुले रहते थे, खिड़की में से कोई सुन लेता था, गुनु जी तो हमेशा ही तैयार रहते थे। इस बार गुनु जी भी सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि देवी अहिल्या अब जान गई है कि इस वाड़े में बहुत उथल पुथल हो रही है, इसलिए मुझे हर कदम फूंक फूंक के रखना है, इसलिए गुनु जी के मुंह पे ही दरवाजा बंद हो रहा है। तो गुनु जी को पता तो चलेगा नहीं कि हो क्या रहा है, मगर गुनु जी अपना अंदाजा तो जरूर लगाएंगे, क्योंकि बंद कमरे के अंदर जो हुआ उसका तो अंदाजा नहीं लग पा रहा, मगर जो बाहर से केसर आई है, जिसको देख के गुनु जी को थोड़ा शक तो होगा कि ये केसर क्यों आई है घर के अंदर, इस वाड़े में केसर का क्या काम। मगर देवी अहिल्या का कहना ये होगा कि मैं जो अनुष्ठान करूंगी उसमें मेरे साथ सिर्फ केसर ही रहेगी। ये मैंने अपनी पहली वीडियो में भी आपको बताया था कि देवी अहिल्या ऐसा ही करेगी, क्योंकि पूरे वाड़े में उनको देशभक्त अगर कोई दिख रहा है तो वो केसर ही दिखाई दे रही है। अब यहां पे जो अनोइंगली जो चीजें होंगी कि जब केसर को लेने तुकू जी जाएंगे, जो हमने कमिंग अप में देखा वहां पे मालेराव भी है, तो केसर को तो तुकू जी अपने साथ ले जाएंगे क्योंकि छोटी रानी ने बुलाया है। अब मालेराव को भी ना चाहते हुए मैना बाई के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मैना बाई वहां पे अपनी जो भक्ति है, पति भक्ति है, उसके साथ ही वेट कर रही है, दिया जला के बैठी है, तो मैना बाई के पास पहुंच जाएंगे मालेराव। तो यहां पे जो होगा वो गुनु जी की जो योजना उन्होंने अपने मन में बनाई थी कि मालेराव ऐसा करेगा, प्रेम उसमें पड़ गया है तो वो बहुत कुछ उल्टा पुल्टा कर देगा, वो सब कुछ नहीं होगा, क्योंकि केसर देवी अहिल्या के पास जाएगी और मालेराव मैना बाई के पास। और केसर को जब ये जिम्मेदारी दे दी जाएगी कि मुक्ता अब मेरी जगह पे बैठेगी, क्योंकि मुक्ता ने बड़ी कुर्बानी दी है अपनी आई साहिब के कहने पे, अपने पति के कहने पे, और वो अब मालवा के लिए समर्पित है और माँ और बेटी दोनों मिलके मालवा के लिए बहुत बड़ा काम करने वाली है, वो इसमें केसर उनके साथ होगी तो सोने पे सुहागा होगा। तो ये योजना का पहला चरण था दोस्तों, इसमें सब कुछ ठीक बैठा है और देवी अहिल्या का पहला चरण सफल हो गया है। अब दूसरा चरण शुरू होगा जब देवी अहिल्या पुणे के लिए निकलेगी, क्योंकि गुनु जी ने तो हर तरफ अपने पहरेदार बिठा रखे हैं कि कुछ भी इधर का उधर होता है तो उनको पता चले। और राघुबा ने भी अपना, जैसे गुनु जी ने कहा कि मालवा की सीमा पे सैनिक तैनात करके रखे, बंद करके रखी है सीमाएं, तो ये सब कुछ होते हुए दूसरा चरण और भी मुश्किल होने वाला है, मगर वो भी देवी अहिल्या पार करेगी, क्योंकि देवी अहिल्या जो ठान लेती हैं उसको करके ही दिखाती हैं। तो बहुत मजा आया देख के इस चरण के पूरा होने पे, सफल होने पे। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।
subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.